अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद अच्छे होंगे। आज मैं बनाने जा रही हूँ फिश फ्राई। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये फिश ले रखा है मैंने, 800 ग्राम से ज्यादा है थोड़ा, तो इसमें हम डालेंगे सबसे पहले ये हल्दी लिया है मैंने, एक चम्मच थोड़ा कम है, पौना चम्मच है ये। ये मछली लिया है मैंने, रेहू मच्छी है ये। ये देखिए, एक मृगल मच्छी भी आता है वो नहीं लिया है मैंने। ये रेहू है, बहुत ही अच्छा, बहुत टेस्टी बनता है ये। इसको मैंने बहुत ही अच्छी तरह से धोया है, इसमें मैंने सिरका, नमक, नींबू सारी चीज़ें डाल करके उसको अच्छे तरह से धोया, ताकि जो होता है स्मेल जो है वो ख़त्म हो जाए। ये पिसा हुआ जो मैंने लिया है मिर्च, ये 1.5 चम्मच लिया है मैंने, और ये जो कुटा हुआ लिया है वो 1 चम्मच है। नमक हम लेंगे टेस्ट के हिसाब से। इसमें हम डाल देंगे नींबू, नींबू से इसके अंदर टेस्ट बहुत अच्छा आता है। थोड़ा सा और ले लेंगे। लहसुन है, सिर्फ मैंने लहसुन लिया है ये हम ले लेंगे 2 चम्मच भर के। इसमें लहसुन जितना डालेंगे उतना अच्छा बनता है ये। इसको हम हाथों से इस तरह से मिक्स कर लेंगे। इसको अलट पलट करके हम अच्छी तरह से इसके अंदर मसाला जो है ये पूरी अच्छी तरह से इसको मिक्स कर देंगे। देखिए, अच्छे से मसाला हमारा मिक्स हो गया है। इसको हम 10 मिनट के लिए ढककर रख देंगे, फिर हम इसको बनाएंगे। देखिए, 10 मिनट हो चुका है इसको रखते हुए। हमें गैस मैंने ऑन कर लिया है। इसमें हम डाल देंगे तेल, तेल लिया है मैंने सरसों का, सरसों के तेल में ही फ्राई करूँगी मैं इसको। ये गरम हो जाएगा तो फ्राई करूँगा। देखिए, तेल हमारा गरम हो चुका है ये। इसमें हम डाल देते हैं इसको इस तरह से मसाला इसके ऊपर, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इस तरह से। और जहाँ जहाँ खाली रहता है, ये हमारा मसाला जिससे बच रहा है ये, तो हम इसके ऊपर रख देंगे इस तरह से। थोड़ा कांटा होता है इस मच्छी के अंदर, लेकिन बहुत ही टेस्टी बनता है ये, बहुत मज़े का बनता है। बाकी आप लोग को जो मच्छी आप पसंद पड़ता है वो खा सकती हैं। बनाए इस तरीके से, बहुत ही टेस्टी बनता है। चलिए, हम इसे देख लेते हैं। इस तरह से सबको हम ऐसे ही पलट लेंगे। ये देखिए, इसको हम इस तरह से हल्का हल्का कट भी लगा देंगे इसके अंदर, अगर ज़्यादा मोटा पीस जैसे कटा हुआ होता है ये, तो इस तरह से आप इसको कट कर दें, ताकि अच्छे से ये पक जाए। अभी नहीं हुआ ये, 2 मिनट को हम अच्छे से पकाएंगे पहले। बीच बीच में मैं इसको देखती भी रहूँगी। चलिए, हम इसको देख लेते हैं। हो चुका है ये, वैसे हो गया है ये भी थोड़ा सा और होगा इस तरफ से, तो हम इसको निकाल लेते हैं। जो हमारा ये हो चुका है, इसको निकाल लेते हैं ये इस तरह से। ये देखिए कितना अच्छा बनकर तैयार हुआ है ये। चलिए, हम इसको देख लेते हैं। सही हो गया ये, इसे हम निकाल लेंगे। हर तरफ से हो चुका है ये, तो हम गैस बंद कर देते हैं। चलिए, हम इसको भी निकाल लेते हैं इस तरह से। देखिए, हमारा फिश फ्राई बनकर तैयार हो गया है। तो इसी रेसिपी की जैसे आप भी बनाएं इसी तरह से, और इसको रोटी के साथ खाएं, पराठे के साथ खाएं, नान के साथ भी खाएं, और धनिया की चटनी होती है उसके साथ वैसे भी खा सकते हैं हम इसको। तो ये बहुत ही अच्छा और बहुत ही टेस्टी बनता है ये, एकदम चटपटा चटाकेदार बनता है ये। तो इसी तरह से आप बनाएं, सभी को खिलाएं, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।